नारायण। आज भले ही FM का जादू युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है, मगर रेडियो की असली आत्मा आज भी आकाशवाणी में बसती है। आकाशवाणी का जलवा अब भी बरकरार है। रायपुर आकाशवाणी की 55वीं वर्षगांठ के अवसर पर आकांक्षा लिसनर्स संस्था धरसींवा चरौदा ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में रेडियो श्रोता शामिल हुए। इस दौरान फरमाइशी गीतों की भी प्रस्तुति दी गई। वृंदावन हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में आकाशवाणी रायपुर के कलाकार भी शामिल हुए। कांसर रेडियो लिसनर्स क्लब धरसींवा की ओर से आकाशवाणी रायपुर की 95वीं वर्षगांठ है, उसके उपलक्ष्य में श्रोता सम्मेलन एवं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम का आयोजन है। आज उभरते गायक गायिकाओं द्वारा श्रोताओं के पत्र के आधार पर गीत गाएंगे और सब श्रोताओं से मिलना जुलना जिसको नहीं देख पाते आज यहाँ कार्यक्रम के माध्यम से देख पाते हैं, इसलिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आकांक्षा रेडियो लिसनर संस्था के बैनर तले जो कार्यक्रम हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस कार्यक्रम में हमारे देश भर के श्रोता साथी जुटते हैं, आपस में मिलते हैं। और मेरा मानना तो यह है कि आकांक्षा रेडियो लिसनर संस्था ऐसा कार्यक्रम करती है जिसमें रेडियो दिखता है। रेडियो दिखने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर हमारे जितने श्रोता साथी हैं, हमारे जितने वक्ता साथी हैं, सारे लोग आपस में आते हैं और लाइव जो फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम होता है। इस आयोजन में हम लोग महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में पिछले कई वर्षों से एक प्रयोग समझिए या एक बड़ा प्रयास कहिए कि इसमें हम लोग लोक कला, फिल्म, साहित्य, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और भी विभिन्न क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं उनका हम लोग सम्मान करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में रेडियो के ऊपर जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है सबरंग, श्रीमती सीमा शर्मा जी की, उस पुस्तक का भी हमारे अतिथियों के करकमलों के द्वारा विमोचन भी होना है। तो ऐसे बहुआयामी उद्देश्यों को लेकर हम लोग हर साल इस बैनर के नीचे कार्यक्रम करते हैं और इसका बहुत ज़्यादा प्रतिफल मिल रहा है। हजारों हजार श्रोता आपस में जुड़े हैं। नारायण नारायण।